बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक सौरभ खरे ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्होंने घर में ही फांसी लगाकर इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इसके पीछे की मुख्य वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान टोरिया के पीछे सौरभ खरे रहते थे, जहां पर उन्होंने अज्ञात कारणों के चलते ये फांसी लगाई है। हालांकि अभी तक मुख्य वजह का पर्दाफाश नहीं हो सका है। तो बता दें, सौरभ खरे कई पदों पर रहे हैं और राजनीति में उनका अच्छा दमखम था। युवाओं में एक बहुचर्चित चेहरा सौरभ खरे माने जाते थे। वह पूर्व में बजरंग दल के जिला संयोजक रहे हैं। उनके नेतृत्व में कई बड़े कार्यक्रम छतरपुर जिले में भी संपन्न हुए हैं। अचानक से इस तरह की घटना ने युवाओं के दिल दहला दिए हैं। उनके मित्रों का कहना है कि सौरभ खरे इस तरह के नेचर के नहीं थे कि वह फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। हालांकि वजह जो कुछ भी हो, लेकिन इस मामले की बारीकी से जांच पुलिस विभाग कर रही है। पठापुर रोड में अभी 2 घंटे पहले सूचना मिली थी, सौरभ खरे नाम का व्यक्ति है, उसने अज्ञात कारण से अपने घर में फांसी लगाया है। सूचना पर मर्ग कायम किया गया है और डेड बॉडी उतार करके अभी अस्पताल लेके गए हैं और अभी पीएम करवा रहे हैं। सर, अभी कोई प्रथम दृष्टया अभी कोई समझ में नहीं आया है कि कारण क्या है। अभी घर वाले बता रहे हैं कि कुछ समय से डिप्रेशन में था। ये अभी प्राइमरी इंक्वायरी पूछताछ हुई है, बाकी अभी परिवार वाले ठीक से बोलने की स्थिति में नहीं है। गहन जांच के बाद बता पाएंगे।